अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी चॉकलेट केक। आप देख रहे होंगे माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना था, और इसकी रेसिपी पूरी डिटेल के साथ आपसे शेयर करूँगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पे बने रहिए और पूरी वीडियो को वॉच कीजिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जी मैदा ले लिया है 30 ग्राम, और इसके साथ हमने हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर का ऐड किया है, और एक टीस्पून हम इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करने के बाद हमने इसे छान लेना है, और छानने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो सॉफ्टनेस केक में आती है ना, वो हमारी बरकरार रहेगी। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने जो है वो थिक केक बनाया हुआ है। इसको प्रोसेस को आपने 2-3 मरतबा जो वो रिपीट कर लेना है। उसके साथ आपने चीनी ले लेनी है 60 ग्राम, और 60 ग्राम चीनी को आपने अच्छे से पीस लेना है, क्योंकि पीसी हुई चीनी से हमारा केक जो है वो बहुत सॉफ्ट बनेगा। सारे इंग्रेडिएंट जो है वो पाउडर की फॉर्म में होंगे, तो ज़्यादा अच्छा केक बनेगा और सॉफ्टनेस भी बहुत ज़्यादा होगी इंशाल्लाह। आप देख सकते हो कि चीनी हमने पीस लिया, और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हम ले आए हैं चीनी को, और अब हम इसे यूज़ करेंगे। इसमें हम यूज़ करेंगे 4 अदद अंडे, और अंडों की सफ़ेदी और जर्दी जो है वो हम अलग-अलग कर लेंगे। ठीक है, और बहुत एहतियात के साथ, जब आपको बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप इस तरीके से अंडों की सफ़ेदी और जर्दियों को अलग-अलग कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं कि मैं जो हूँ अंडों की जर्दियों को अलग-अलग कर रही हूँ, और सफ़ेदी एक बाउल में कर रही हूँ और जर्दी एक बाउल में कर रही हूँ। तो इसी तरह मैं सारे अंडों को कर लेती हूँ, और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। और इससे साथ साथ जो है वो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें, वीडियो को छोड़ के ना जाया करें। तो यहाँ पे जी हमने ले लिया है 1 अदद बीटर, और बीटर के साथ हमने इसमें यूज़ करना है वनीला एसेंस, और वनीला एसेंस जो है वो हम अंडों की जर्दी में डालेंगे, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि सफ़ेदी में जो है इतनी स्मेल नहीं होती, लेकिन जर्दी में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। तो इस वजह से अंडा जो है वो अंडे की स्मेल को ये ख़त्म कर दिया। तो उसके साथ हमने बीट कर लेना है सफ़ेदी को, और सफ़ेदी के साथ साथ हमने इसमें शुगर ऐड करते जाना थोड़े थोड़े को, और साथ ही इसे बीट करते जाना। और एक प्रोसेस है, मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, वो आपने बिल्कुल स्किप करके नहीं जाना, और जिससे आपका केक जो है बहुत सॉफ्ट बनेगा इंशाल्लाह, आपका केक बिल्कुल नहीं जलेगा। तो आपने वीडियो पे बने रहना। चलिए जी, करीम हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो है वो इसमें जर्दी डालेंगे, और हमने इसे बीट कर लेना अच्छे से। समटाइम हम जो है वो लोग बताते हैं कि इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करें, इसमें ये चीज़ ऐड करें, ये चीज़ ऐड करें, ऑयल ऐड करते हैं, लेकिन विदाउट एंड ऑयल एंड विदाउट कॉर्नफ्लावर हमने जो है वो सिंपल तरीके से इतना अच्छा और सॉफ्ट केक जो है अपने घर पे बनाना है। और आपने इसका मुझे फीडबैक भी इंशाल्लाह देना है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो मिक्सचर है, जो बैटर है, वो सारा इक्वल हो चुका है। अब हमने सारा जो बैटर है वो पाउडर वाली जो हमारे इंग्रेडिएंट्स थे उसके अंदर हमने ऐड कर देना है। और माशाल्लाह देखें कि हमारा जो लिक्विड बना है वो बहुत बादल जैसा बिल्कुल बना है, ऐसे फ्लफी फ्लफी। और तो अब हमने इन सब इंग्रेडिएंट को बिल्कुल इकट्ठा कर लेना है। यहाँ पर मैं थैंक्स कहूँगी मरियम गुलजार का, अवैस अशरफ, आसिम बेग, सलमान बेग ऑफिशियल, एहतशाम्स किचन, और सना आपका बहुत थैंक्स, कुक बाय यम या यम बाय बिया जो भी हैं, और इन सब का बहुत थैंक्स, और जिनका मैंने नाम नहीं लिया, नूर का किचन, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे कमेंट किए हैं। तो जो जो मेरी वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उन सबका बहुत थैंक्स। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए इंशाल्लाह लेकर आती रहूँगी, और आप अच्छे अच्छे कमेंट किया करें मेरी वीडियोस पे। तो यहाँ पे हमारा केक जो है वो बैटर रेडी हो चुका है, हमने इसे टैप टैप करना है, और टैप टैप करने के बाद हमने जो है वो 45 मिनट के लिए इसे बेक कर लेना है। माशाल्लाह केक हमारा जो है वो राइज हो चुका है और बेक हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट बना था। आप इस पर क्रीम लगाएं, इसकी फ्रॉस्टिंग करें, इसे ठंडा करके जैसे चाहे आप इसको यूज़ करें, और ये बहुत मज़ेदार लगेगा। वैसे भी आप इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ आपको जो है वो इसमें ऑयल यूज़ करना पड़ेगा, बट ये जो है वो फ्रॉस्टिंग के लिए बहुत बेहतर रहेगा केक। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।